हेलो स्टूडेंट, अभी हमने किया था जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद हम सिग्निफिकेंस की बात आ जाती है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इसका, ठीक है। सिग्निफिकेंस से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, कैपिटल पी से इसको डिनोट करते हैं हम पोलराइजेशन वेक्टर को। और ये क्या क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ डाइपोल इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या होता है, हमारा पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम, डाइपोल इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा हो जाता है पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। अब पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या रिलेशन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, ठीक है। उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो उतना ही बड़ा पोलराइजेशन, मतलब नंबर ऑफ डाइपोल इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम भी उतने ही ज्यादा होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो। तो पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या रिलेशन है, पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप चाहे ई नोट से कर दो, चाहे ई से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ डाइपोल इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, इसको इक्वालिटी में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं काई पी, बोल लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। पी इज इक्वल टू काई पी इंटू ई नोट, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट है और डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है हमारे पास, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, काई एम। तो काई या काई एम का नाम दे दो इसे, काई एम किसके बराबर हो गया, पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है। तो उसमें लिख सकते हैं सिग्निफिकेशन के अंदर कि हायर द पोलराइजेशन, ठीक है। जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी, मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी उतना ही ज्यादा उसमें पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए बेटा,